बिहार के आरएस सदर अस्पताल में मंगलवार को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां युवक को खेत में बिचड़ा डालने के दौरान विषैले सांप ने काट लिया। इस घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सांप को मारकर उसे झोले में बंद कर दिया। जब युवक की धीरे धीरे हालत बिगड़ने लगी तो परिजन पीड़ित और मरे हुए सांप को झोले में लेकर इलाज कराने के लिए आरएस सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुँच गए। मरीज को लेकर आए परिजनों के हाथ में सांप देखकर वहां मौजूद डॉक्टर भी दंग रह गए, जबकि चिकित्सक ने तुरंत सर्पदंश से पीड़ित युवक का प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया और उसे कुछ देर तक डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखने की सलाह दी। वहीं झोले में मरे हुए सांप को देखकर अस्पताल में मौजूद लोगों के बीच कुछ देर के लिए अफड़ा तफड़ी का माहौल कायम हो गया। दरअसल ये पूरा मामला चांदी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गाँव से जुड़ा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि चांदी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी अनिल सिंह के 18 वर्षीय पुत्र रंजन कुमार अपने खेत में धान का बिचड़ा डाल रहा था, तभी अचानक उसके हाथ में विषैले सांप ने काट दिया। इस दौरान युवक के साथ वहां मौजूद लोगों ने काट कर भाग रहे सांप को लाठी डंडे से मार कर झोले में बंद कर दिया। जब पीड़ित की हालत बिगड़ने लगी तो परिजन इलाज के लिए युवक को सदर अस्पताल ले आए, जहां सांप को देखकर ऑन ड्यूटी तैनात चिकित्सक भी दंग रह गए। वहीं इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोग भी सहम गए और मौके पर कुछ देर के लिए अफड़ा तफड़ी का माहौल बन गया, जिसके बाद चिकित्सक ने तुरंत पीड़ित युवक का इलाज शुरू कर दिया। फिलहाल चिकित्सक की माने तो जिस युवक को सांप ने डसा है उसकी हालत खतरे से बाहर है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।